तारीख है फरवरी 2, 1835, जब भारत अंग्रेजों के राज में था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कमेटी की एक मीटिंग बैठी हुई थी, जिसमें ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने एक शॉर्ट स्पीच डिलीवर की, जिसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के संस्कृत कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करने की जरूरत है, और उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ एक शेल्फ पूरी की पूरी इंडियन और अरबिक लिटरेचर के बराबर है। ब्रिटिशर्स ने मैकॉले को अपॉइंट किया था क्योंकि वे इंडिया के लोगों से उनके तरीके से काम करवाना चाहते थे। इसलिए साल 1835 में उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में था, और इंडिया का जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। और एजुकेशन सिस्टम में लोगों के माइंड में ये डिस्प्ले किया कि इंग्लिश लिटरेचर, उनके लोग और उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो फंडामेंटल्स है वो आज भी उसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। लेकिन बहुत से लोगों ने इंडिया के आज के एजुकेशन सिस्टम को ये कहकर क्रिटिसाइज़ किया है कि वो रोट लर्निंग को प्रमोट करता है और उसी के साथ में स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग और थिंकिंग की एबिलिटी को काफ़ी कम करता है। पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि एंशियंट इंडिया साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ट्रेड, मेडिसिन, मिलिट्री, फिलोसॉफी जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। पर क्या था इंडिया का ये एंशियंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम? आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया का जो एंशियंट एजुकेशन है वो बेस्ड है वैदिक एज के टाइम्स में, और मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से वैदिक एज दो पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड जो था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 बीसी से 500 बीसी तक। तो पहले बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। इस टाइम में तीन टाइप के मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, गुरुकुल, सम्मेलन और परिषद। और अगर किसी स्टूडेंट को इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो उन्हें उसके लिए फीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इनको राजा ही फंड कर देते थे और कई सारे डोनेशंस भी आते थे जिससे इनकी फंडिंग हो जाती थी। तो चलिए पहले बात करते हैं गुरुकुल की। तो अगर किसी स्टूडेंट को गुरुकुल में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए अपना घर छोड़कर गुरु के साथ में गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। गुरुकुल में दिया जाने वाला नॉलेज दो टाइप्स का होता था मेजरली। पहला था परविद्या, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा था अपरविद्या, मतलब वर्ल्डली नॉलेज जैसे साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ट्रेड, ये सारे सब्जेक्ट्स। गुरुकुल में चिंतन या थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस था। हर स्टूडेंट को अपने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में खुद सोचने पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता था। इससे स्टूडेंट का माइंड और ज़्यादा क्वेश्चनिंग और थिंकिंग बनता था। गुरुकुल में चार वेद, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन पर भी ज़्यादा फोकस था। और इन चार वेदों में यज्ञों को करने के प्रोसीजर, मंत्रों के उच्चारण, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, इस सब के बारे में नॉलेज था। इन्हीं चार वेदों से बने थे चार उपवेद, जैसे आयुर्वेद जो मेडिसिन के बारे में नॉलेज देता है, धनुर्वेद जो मिलिट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज देता था, गंधर्व वेद जो म्यूजिक और डांस पर अपना फोकस रखता था, और शिल्प वेद जो आर्किटेक्चर के बारे में बताता था। उस वक्त उनकी सोसाइटी चार वर्णों में डिवाइडेड थी जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और लोगों का जो प्रोफेशन होता था वो एक्चुअली उनका वर्ण डिसाइड करता था। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करने, ट्रेडिशंस और उसी के साथ में शिष्य को गुरु बनकर पढ़ाने पर फोकस रखते थे। दूसरे थे क्षत्रिय जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट को सीखते थे। तीसरे थे वैश्य जो एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। और चौथे थे शूद्र जो मेनली सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस रखते थे। इसी के अलावा वो आर्टिस्टिक चीज़ें जैसे म्यूजिक और डांस भी सीखते थे। गुरुकुल में फीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करती थी, जैसे गुरुकुल में ब्राह्मण जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उन्हें ब्रह्मवडिनीस कहा जाता था, और स्टूडेंट्स को खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी ताकि उनमें ह्यूमिलिटी डेवलप हो। गुरुकुल में दिया जाने वाला एजुकेशन मेनली 12 साल का रहता था, और उसके बाद में एंड में उनका संवर्तन संस्कार नाम की एक सेरेमनी होती थी जिसे हम आज के टाइम पर कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी करवाते हैं। वैदिक एजुकेशन में जो दूसरा टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था वो थे परिषद। इसमें राज्य के राजा भी आकर पार्टिसिपेट करते थे, और अलग अलग फॉरेन कंट्रीज जैसे ग्रीस या चाइना, इनके भी स्कॉलर्स आकर पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशंस होते थे जिससे स्टूडेंट्स को और हायर लेवल नॉलेज मिलता था। और तीसरे थे सम्मेलन जो आज के टाइम की कॉन्फ्रेंसेस की तरह थे, जहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपर्ट्स आकर बात करते थे जिससे स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के बारे में और डीप नॉलेज मिलता था। इन इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले जो कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे वो ब्राह्मण संघ नाम के एक इंस्टीट्यूशन में जाते थे जो आज के टाइम के सेमिनार्स की तरह होते थे। अब बात करते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड की जो था 1000 से 500 बीसी तक। इस पीरियड में साधु और ऋषि मुनियों ने साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की, और कहा जाता है कि एंशियंट इंडिया की जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस थे वो भी इसी पीरियड में हुए थे। जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से सुश्रुत जो एक सर्जन थे उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी इसी पीरियड में डिस्कवर की थी, और इसी पीरियड में बुद्धिज्म भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। वैसे तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वैदिक एजुकेशन से काफ़ी सिमिलर था, लेकिन बस इसमें यज्ञों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था और मिलिट्री का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता, क्योंकि बुद्धिज्म नॉन वायलेंस में अपना विश्वास रखता है। इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था वो स्पिरिचुअल नॉलेज पर काफ़ी फोकस रखता,
और स्पिनिंग, वीविंग और मेडिकल एजुकेशन में इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो था वो बौद्ध विहारों में ज्यादातर दिया जाता था और कई सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज भी थी जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी वर्ल्डली। पर ये सारी यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पर एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? दरअसल 10th AD सेंचुरी के बाद में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन्स हुए। जैसे नालंदा का एग्जांपल लेते हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी। यहाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना और ग्रीस से भी काफ़ी लोग पढ़ने के लिए आते थे, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और फिर 12th सेंचुरी AD में जब टर्किक रूलर बख्तियार खिलजी इंडिया को इन्वेड करने आए थे, उन्होंने नालंदा की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कई सारे मंक्स को बुरी तरह से मार दिया। नालंदा की यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जहाँ पर 1500 से भी ज्यादा किताबें थी जो हाथ से लिखी हुई थी। उन्होंने इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से जला दिया और कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा किताबें थी कि ये 3 महीनों तक जलती रही थी। और बाकी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में भी यही हुआ। जैसे जैसे टर्किक इन्वेजन्स होते गए, इंडिया का जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो डिक्लाइन होता गया और फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद में तो ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पर क्या ये एजुकेशन सिस्टम फिर लौट कर आ सकता है? साल 2020 में जब गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को नई रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। इसी के साथ में उन्होंने वोकेशनल स्किल सिखाने पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया था। इसे स्टूडेंट की थिंकिंग और क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ सकती है अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो तो। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि काफ़ी हिस्टोरियंस के हिसाब से इंडिया एंशियंट टाइम्स में दुनिया के 25-30% के GDP में कंट्रीब्यूट करता था, बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। जैसे एंशियंट इंडिया इकोनॉमिकली और बाकी सब फील्ड्स में इतना ज़्यादा डेवलप्ड क्यों था, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया जिसे आप यहाँ जाकर देख सकते हो।